हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फोर्थ पार्ट ऑफ बेसिक एनिमेशन सीरीज़ सो इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस प्रकार से मैंने सीन को एनिमेट किया एंड सम प्रो टिप्स रिलेटेड टू कैमरा एनिमेशन एंड बोर्ड स्कीडबोर्ड एनिमेशन एंड दिस पार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्ट सो या आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इसको मैं मैंने एनिमेट किया था इसको मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारा सीन रहा आप देख सकते हैं अगर इसको मैं आगे इसको मैं प्ले करूँ एनिमेशन को ओके आप दिखाता हूँ आपको मैं प्ले ये देखो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हो क्या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पूरा प्लेन है और अलोंग विद दैट जो उसके पार्टिकल्स हैं यानी कि जो उसकी ट्री हैं वो भी मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन पे देख सकते हैं आप ये देखो ओके तो यहां पर क्या है जब भी हमें आ, आ, या तो हम ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दे सकते हैं या फिर हम सराउंडिंग को मूवमेंट दे सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसी है तो यहां पर क्या हो रहा था कि जब मुझे आ, एनिमेट करना था उसको ये स्क्रेड बोर्ड को रोटेट करना था वहां पर यदि मैं इसको करता एनिमेट मूवमेंट देता तो वहाँ पर कुछ समस्या आ सकती थी इसलिए मैंने क्या किया इस पूरे सीन को एनिमेट किया मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन है क्योंकि रिलेटिव मोशन क्या है रिलेटिव मोशन है इनके बीच में ये जो स्केट uh, बोर्ड है वो कुछ समय तक स्टिल uh, रहता है जब तक कि इसमें रोटेशन नहीं आती देन आफ्टर क्या होता है कि देखो आप बताता हूँ आपको मैं यह, uh, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर यहाँ पर देखो आप ये कुछ समय तक ये क्या है कि ये स्केट क्या है वो स्टिल है ओके जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कैमरा स्विच होता है तो वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर इन दोनों स्केट को मैंने कुछ एनिमेट किया है ओके सो तो ये यह है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और टेक्निक आप मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि क्या टेक्निक यूज की हमने यहाँ पर जस्ट वेट Uh, देखो यहाँ पर क्या है यहाँ तक आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं आपकी 150 वन फिफ्टी या वन फि वन फिफ्टी तक देख सकते हैं कि सेम कैमरा है कैमरा वन ही यूज़ हो रहा है देन आफ्टर देख सकते हैं स्विच हो चुका कैमरा टू को ठीक है तो यहाँ पर स्विचिंग कैमरा किस प्रकार से किया वो हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर देखो सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपको uh, mm, क्या करना है कि आपको क्या करना है कि प्लेन को प्लेन को देखो आप देख सकते हैं कि प्लेन को मैंने की फ्रेम दिया है यहाँ पर देखो देख सकते हैं की फ्रेम दिया है ओके okay. तो की फ्रेम देने के बाद क्या होता है कि जब आप इसको की फ्रेम देते हो तो उससे क्या होता है कि ये जो बोर्ड है पूरा का पूरा आगे की ओर स्लाइड करता है तो उससे क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं आपके वो पीछे रह जाते हैं ठीक है ना तो वो तो उसको सोल्व करने के लिए बताता हूँ आपको अभी कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ अभी जस्ट विट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई प्लेन निकालता हूँ मैं मेरे बोलने का मतलब क्या है शिफ्ट ए यहाँ पर ले हूँ मैं प्लेन ठीक है ये प्लेन एस स्केल व्हाट ओ जस्ट वेट पूरा सेलेक्ट हो गया था स्केल करते हैं ऐसे तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ पार्टिकल सिस्टम फटाफट फड़ से ओके अभी फिर से इसकी फिजिक्स बंद करनी होगी मुझे फटाफट फड़ से करते हैं फिजिक्स बंद इसकी फील्ड वेट जीरो ओके एंड यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो करते हैं ओके okay, देख सकते हैं आप ये केवल यहीं पे और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं स्टार्ट पॉइंट माई नेगेटिव वन एंडिंग पॉइंट नेगेटिव वन ओके और लाइफ टाइम कर देते हैं टू 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 हंड्रेड ओके देखो अब देखो मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर अगर देखो मैं क्या करता हूँ <coughs> इसे करता हूँ एनिमेट मान लो मैंने की फ्रेम दिया यहाँ पर लोकेशन और जीरो पर और यहाँ पे लेके आया इसको मैं और इसको करता हूँ आगे की ओर इस प्रकार से और यहाँ पे देखो की फ्रेम ओके ये देखो ओके तो ये समस्या है यहाँ पर ठीक है जब आप प्लेन को जिसमें पार्टिकल सिस्टम आपने अप्लाई किया है तो वहां पर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी ओके तो इसका सोल्यूशन क्या है क्या करना है आपको यहां पे आना है इसके पार्टिकल सिस्टम में और यहां पर आना है फिजिक्स में ओके यहां पर आपको फिजिक्स जो टाइप है उसको करना है चेंज कीड में ओके और यहां पर रिलेशन और यहाँ पर इसको करना है टारगेट को चूज़ और यहाँ पर इसको करना है अब देखो आप देख सकते हैं आप ये देखो ओके सो so, ये टेक्निक आपने सीख ली यहाँ पर इसे करता हूँ रिमूव फटाफट से मैं ओके और सेकंड टेक्निक क्या थी यहाँ पर कैमरा स्विच वो कैसे कर सकते हैं देखो कैमरा स्विच बताते हैं आपको एक मिनट मैं हाँ ओके कैसे करना है कैमरा सोच एग्ज़ाम्पल के लिए आ, मैं क्या करता हूँ थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ एंड फ्रेम फाइव हंड्रेड और यहाँ से शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से थ्री हंड्रेड से बताते हैं कैसे करना है आपको एंड शिफ्ट ए यहाँ लेता हूँ मैं प्लेन लेता हूँ फटाफट फड़ से एंड स्केल करता हूँ उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई ओके और मैं शिफ्ट ए लेता हूँ कैमरा फटाफट से कैमरा ओके okay, कहाँ कैमरा 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 हाँ मैं नाम देता हूँ डमी वन डमी वन ओके एंड शिफ्ट डी डमी टू ओके यहाँ पर से करते हैं स्टार्ट तीन सौ से करना स्टार्ट ओके एंड फ्रेम नहीं स्टार्ट फ्रेम था तीन सौ ओके एग्जाम्पल के लिए देखो यहां पर आप क्या करना है पहले तो वो आप यहाँ पर इस टाइम लाइन में आप क्या करेंगे सेट करेंगे मार्कर तो थ्री हंड्रेड में आकर जस्ट वेट ओके आप प्रेस करेंगे एम ओके एंड कंट्रोल एम काम नहीं कर रहा है अभी यहाँ पर यहां पे आएंगे हम मार्कर में रिनेम इज दैट रीनेम हम करेंगे डमी ओके जस्ट डी डब्ल्यू एम वाई डी सिंपल करते हैं डी मा एम वाई डमी वन ओके इसे ओके okay मारते हैं और यहाँ पर आते हैं फोर हंड्रेड वन पे एम मार्कर रीनेम एंड डी यू एम वाई टू ओके okay. देखो अब क्या करना है आपको पहले तो कैमरा बाइंड था यहाँ पर कैमरा बाइंड था ओके थ्री थाउजेंड में यहाँ पर थ्री हंड्रेड में बाइंड था कैमरा जस्ट वेट एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारा जो एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक था ओके okay. यहाँ तक नहीं था कैमरा डमी वन करते हैं सेलेक्ट क्या करना है आपको यहाँ पे आना है मार्कर बाइंड टू कैमरा देख सकते हैं आप ये देखो ओके ये बाइंड हो चुका है यहाँ पर बट अब इसकी पोजीशन हमें करनी है सेट यहाँ पे आते हैं ऐसे करते हैं इसको एंड कंट्रोल आल्ट कंट्रोल जीरो ओके ये कर दिया हमने और इसको थोड़ा रोटेशन देते हैं इस प्रकार से पीछे लेके आते हैं इस प्रकार से ओके okay. ये हो गया ये थोड़ा नीचे कर देते हैं ये हाँ सेलेक्ट कैमरा टू सेलेक्ट कैमरा टू और इसको जो देते हैं रोटेशन लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाई नाइन्टी ओके नाइन्टी नहीं देना आपको पहले तो सेट करते हैं कंट्रोल आर एंड आर जेड नाइन्टी आर वाई नेगेटिव नाइन्टी ओके इसको ले आते हैं पीछे हम और यहाँ पर सेलेक्ट द कैमरा टू एंड यहाँ पे आते हैं मार्कर में बाइंड कैमरा टू तो. ओके okay, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर यदि मैं ऐसे कर चलाऊँ उसको करूँ एनिमेट यहाँ पे आके आई थिंक ये यहाँ पर है देखो आप देख सकते हैं देखो कैमरा स्विच हो गया यहाँ पर देखो ओके तो इस प्रकार से आप अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं ओके